अच्छा हेरा, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। हाँ। ये हमें पता है, तो हम आपसे नहीं सुनेंगे। Okay. आप तो अच्छा ही गाती हैं। शुक्र। हमने बुलाया हुआ सिंगर ऑलरेडी, कोई तकलीफ आपको नहीं देंगे। ओह थैंक यू सो मच। आपकी भरपूर तालियों में कायद अहमद। हेलो काबिश, क्या हाल चाल? मानी भाई, इनका नाम कायद है, ये वो कायद नहीं है। कैसे कायद? ठीक ठाक, आप सुनाए भाई, क्या माजरा है, क्या लेकर आए हो स्टफ? मैं सुन रहा था, कराची और पाकिस्तान के हालात पे बात हो रही थी। हालात बहुत ख़राब हैं। हाँ। और अजीब सा सीन हुआ है हर जगह ना, तो अब रोमांस तो निकलना नहीं है ना हालात में। हाँ। ना प्यार निकलना है, तो प्यार भरे गानों के अंदर जो शौहर बीवी के लिए गा रहे होते हैं किसी भी शहर में, हमारे मुल्क में कहीं भी बैठे, तो अल्फाज जो है ना वो क्या निकल रहे होते हैं, मैं आप लोगों को सुनाना। आप ये बता रहे हो कि शौहर बीवी के लिए क्या गाना गा रहा है? क्या असल में क्या गा रहा है? असल में क्या? वो प्यार भरे गाने होते हैं, लेकिन उनके मुंह से इन परेशानियों की हालत में क्या क्या निकल रहा होता है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बताओ बताओ। आज जाने की जिद तो करो, आज जाने की जिद तो करो, यूं न पहलू में बैठी रहो, यूं न पहलू में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो। जिद तो करो। हाय जल जाएंगे हम तो सड़ जाएंगे, मैं जाया करो, मैं के कभी जाया करो, आज जाने की जिद तो करो। वाह। तुम ही सोचो जरा क्यों रोके तुम्हें, जान जाती है जब झट से आती हो तुम। वाह। जान जाती है जब झट से आती हो तुम, तुमको अपनी कसम जार जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद तो करो। वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूं ही ताने दिया ना करो, यूं तुम भी खर्चे टाइम पे दिया करो। बेगम आप हाथ हल्का रखा करो। ऐसा होता है कि भाई जब बेगमात होती है ना अपनी ससुराल में, तो आप उनको SMS मारते हो रात में कि बहुत मिसिंग आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। अगर बेगम हल्का सा भी कह देना अच्छा मैं आ जाती हूँ, नहीं 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 जाओ, वो इंतजाम जो घर में होते हैं वो आप वहाँ कर दें। हाँ, हाँ, चलिए। वो जो मैं मानी को बोलती ना, मानी मैं मम्मी कह जा रही हूँ, मानी मुनी से करके था, हाँ हाँ सही चली। दूसरी बात दूसरी बात नहीं करता। कायद थैंक यू सो मच भाई, पीछे जाइए कायद के लिए। थैंक यू कायद।